HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 अप्रैल 2011 का दिन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए गर्व का दिन है। इस दिन का नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसी दिन मुंबई के ऐतिहासिक वांखेड़े मैदान पर एक इतिहास लिखा गया था, जिसे हर भारतीय बार बार याद करना चाहता है। टीम इंडिया ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप पर कब्जा किया था। ये वो ऐतिहासिक पल था जब भारत के 125 करोड़ लोगों की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। इसी ऐतिहासिक दिन को लेकर महेंद्र सिंह धोनी ने बड़ा खुलासा किया है। 7 साल बाद माही ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि विजी शॉट लगाने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वे खुशी के आंसू थे। हालांकि कोई भी कैमरा माही की आंखों में मौजूद आंसुओं को कैद नहीं कर पाया, लेकिन पूर्व कप्तान उस वक्त इतने भावुक थे कि वो रो पड़े थे। जाने माने पत्रकार राजदीप सरदेसाई द्वारा लिखी गई पुस्तक डेमोक्रेसी 11 में इन दिनों भारतीय टीम के ऐसे ही कई रहस्यों से पर्दा उठ रहा है। राजदीप सरदेसाई की पुस्तक में खुलासा किया गया है कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी उस समय रोए थे जब वे भारतीय टीम के मुख्य स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह के गले लगे थे। धोनी के साथ दूसरे छोर पर मौजूद युवराज सिंह भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके थे और उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू छलक पड़े थे। हालांकि धोनी की रोते हुए तस्वीर कैमरे में कैद नहीं हो पाई थी। धोनी के हवाले से राजदीप सरदेसाई की पुस्तक में एक बयान छपा है जिसमें लिखा है, हाँ मैं फाइनल मैच के बाद रोया था, लेकिन कैमरा उसे पकड़ नहीं पाया था। मैं जीत के बाद काफी उत्साहित था और जब मुझे हरभजन ने गले लगाया तो मैं उस समय अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया और मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 विश्व कप फाइनल में 79 गेंदों पर 91 रन की मैच विनिंग पारी खेली थी। इस फाइनल मैच में 276 रनों का पीछा करने मैदान पर उतरी टीम इंडिया ने जब धोनी के विजी छक्के की मदद से मैच जीता, तब पूरा देश खुशी से झूम उठा था। लेकिन पूर्व कप्तान की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू थे।